अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं द हॉटस्पॉट मिनिस्ट्री बादराबाद में, कोई बड़ा ही वीआईपी रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं। अदनान भाई हम यहाँ लेकर आ गए हैं कुर्तों पर फरमाइश पे, आप देखें मिनिस्ट्री, तो पता नहीं इसका नाम भी बड़ा मुश्किल है। तो हम आ चुके हैं पॉट मिनिस्ट्री, तो सारा चाइनीज है। बड़े रास्ते में लड़ाई हुई कि भाई चाइनीज में हमने चाइनीज नहीं खाना, हमने जो है देसी खाना है, लेकिन हमने आखिरकार बना ही लिया है। तो मिलते हैं अंदर जाके, आपको अपडेट करते हैं। तो गाइस हमने एंट्री मार दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी लोग भी जा रहे हैं और हम भी एंट्री मार रहे हैं साथ साथ। तो लेट्स सी, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर देखने के, नीचे बैठना है कि ऊपर बैठना है। ये देखें आप, ये स्टेयरकेस देखें, बहुत ही बेहतरीन। अदनान भाई, अली भाई हमारे आगे जाते हुए साथ साथ, अली अपना यासिर भाई, ये देखें आप, ठीक है नवेद भाई। और बड़ा अच्छा माहौल है जी यहाँ का। नीचे भी हम गए थे तो भी हम देख रहे हैं ऊपर कैसा है, तो हम नीचे बैठेंगे, ऊपर हमने डिसाइड करेंगे, आपको दिखाते हैं। ये है जनाब ऊपर का माहौल, चाइनीज किस्म का कोई साउंड चल रहा है, यहाँ बैठे हैं हम। तो लोकेशन हमने डिसाइड कर ली, हम यहाँ बैठेंगे। हाजी नवेद, हाजी अली, हाजी अदनान, हाजी यासिर और हाजी तैयब भी बैठने वाले हैं यहाँ पे। आपको अपडेट करते हैं फिर आगे सारा व्लॉग, क्या क्या यहाँ आइटम है सब दिखाते हैं। भाई जी हमें बता रहे हैं क्या क्या लेना पसंद करें। सर निकोलिन ग्रो जो है हमारा मीडियम सबसे अच्छा है, ठीक है। नॉर्मल स्पाइसी होगा, ठीक है। उसके साथ आप एक नूडल ले सकते हैं, नेशनल नूडल ले सकते हैं, बीफ श्रीम है अपना, सही है। वेजिटेबल में कुछ ले लें और पीछे बड़ा प्यारा चाइनीज म्यूजिक चल रहा है भाई। ये इनके आइटम है, ये मेन्यू लिस्ट है, ताकि अगर आप आएँ तो आप ही देख सकें कि भाई ये इनके मामलाते हैं। मंगोलियन ब्रोथ 700, टॉम यम ब्रोथ 700, तो प्राइस इतने ज़्यादा नहीं है, फिजिबल है। तो आप अगर चाइनीज़ पसंद करते हैं तो आपके सामने ये सारी चीज़ें, प्राइस लिस्ट और आइटम। बादराबाद में है जनाब ये, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, अब तक अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चाइनीज़ म्यूज़िक द हॉट पॉट मिनिस्ट्री, ये आइटम आना शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। ये कौन सा आइटम है भाई, ये क्या चीज़ है, ये अब ये सब कच्चा ये पकेगा। हाँ ना ना ना, ये क्या है, ये चिकन डम्पलिंग, चिकन डम्पलिंग, ये क्या है भैया, ये बीफ है, और ये ब्रोकली, ये और ये क्या है भाई, चिकन सॉसेज, चिकन सॉसेज, और मशरूम। तो अभी हमारे सामने ही जो है इसकी कार्रवाई होगी, बहुत डिफरेंट सा कुछ है ये मामला, तो आप लोग भी देख रहे होंगे, हम भी अभी देख ही रहे हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे जनाब, यहाँ भी कुछ चल रहा है। सब खुद बना रहे हैं अपने भाई, यहाँ पे तो हम ये कह रहे हैं खुद बनाना है, लेकिन हमें तो कुछ आते नहीं, हम सारे नल्ले। तो अभी वो कह रहे हैं कि पानी गर्म हो जाए, उसके बाद वो आके ये बनाएंगे खुद, हम तो बना नहीं सकते। अब ये स्टार्ट करेंगे बनाना, तो ये आपको बताएंगे साथ साथ हमारे भाई। सबसे पहले तो राइस नूडल एडिशन होंगे, सबसे लेट पकते हैं, ठीक है। नूडल्स हैं भाई इसमें, उसके बाद बटर मशरूम, ठीक है, ब्रोकली, एंड बुक चाय। क्या चीज़ है, बुक चाय, बुक चाय। जैसे कि आप देख रहे हैं लग तो बड़ा बेहतरीन रहा है, कुछ डिफरेंट चीज़ें हमारे सामने ही बन रही हैं। बीफ, ये आ गया बीफ, हाँ क्या बात है, बीफ का तड़का लग जाए तो बात ही अलग हो जाती है। चिकन सॉसेस, चिकन सॉसेस आ गए भाई,
श्रीम प्रॉन्स प्रॉन्स आ गए। बहुत ही खतरी चीज लग रही है भाई। एक उबाल के बाद फिर चिकन डंपलिंग्स का एडिशन करेंगे हम लोग। अच्छा, ये कहना चाहिए एक उबाल के बाद चिकन डंपलिंग का ये एडिशन करेंगे। और अब तक हम भी देखते हैं, उबाल आने का वेट करते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं। भाई यहाँ भी डिस्कशन चल रही है कि ये तो हम सूप पीने आए, खाना खाने नहीं आए। ये लोग हैं, हम सब देसी वाले हैं, तो मामला ज़रा ऐसे चल रहे हैं कि होता क्या है कि भाई हम पेट भरेगा, खाना खाएंगे या खाना कहीं और जाके खाएंगे या घर जाके बेगम को बोलेंगे कि रोटी बना दो। तो अभी देखते हैं, पेट भरता नहीं भरता। ये देखा, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। तो भाई देखते होता क्या है, आगे आगे देखे होता है क्या। भाई उबाली आ चुकी है, ये फर्दर हमें बताएंगे ये क्या डाल रहे हैं। चिकन डंपलिंग डाल रहा है भाई। यार खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है अली भाई, ट्राई करेंगे भाई। हाँ, और लग भी बड़ा अच्छा रहा यार, चेक करें जरा। खुशबू बहुत प्यारी भाई। हाँ हाँ, शक्ल तो बड़ी बेहतरीन इसकी लग रही है, खुशबू भी बड़ी प्यारी है, बाकी टेस्ट का भी पता लगेगा क्या कहता है। थोड़ा सा हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए, और आपको भी। हाँ बदनान भाई, ज़रा होने से अभी तक रिव्यू जो है ना सही आ नहीं सका हमारे पास। गरम तो हो रहा, क्या कहते हैं आप? जबरदस्त टेस्टी। तो भाई वेरी टेस्टी था अदनान भाई का, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब आपको ये मज़े का लगा है? मुझे पसंद आया बेटा, ब्रो अली हमारे एक बंदे को तो पसंद आ गया है। हम भी आपको टेस्ट करके बताते हैं, ये उन्होंने सर्व कर दिया है। हम भी आपको टेस्ट करके बताते हैं क्या चीज़ है। बहुत गर्म, टेबल थोड़ी देर में जाकर अच्छा लग रहा है यार, बहुत आ रहा है। थोड़ी देर में जाकर अच्छा लग रहा है, आप कुछ अच्छा लगना लगा यार, बहुत अलग टेस्ट है, मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है भाई। पास हो गया। हाँ भाई क्या कहना सारे भाई? ओके ओके, रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड लाजमी, बहुत ज़बरदस्त। चलो भाई बेहतरीन हो गया, अब हम खाते हैं और आपको एंड में इसका रिव्यू देंगे। थैंक यू सर भाई, मुझे बहुत मज़े का लगा है। पानी थोड़ा सा देखिए। तो गाइस हम लोग खा चुके हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आया, बाकी हम रिव्यू देते हैं एंड में कि आपको यहाँ पे रिकमेंड करते हैं आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो अतान भाई आप क्या कहते हैं? अच्छा क्या सर भाई, मेरी तरफ से तो ओके की रिपोर्ट है। मज़ा आया आपको? अच्छा लगा मज़ा। नवीद मुझे समझ में नहीं आया भाई, आपने समझा क्यों? क्यों मजा बताएं क्यों? मजा बस क्या बताएं, चाइनीज लवर मिल लेकिन किसी को मुझे चाइनीज पसंद नहीं है, जिसको चाइनीज पसंद नहीं है वो यहाँ पर ना आए ना आए। जी भाई बिल्कुल ऐसा ही है भाई, और मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन ये है कि सही है, मुनासिब है भाई। मेरा रिव्यू ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का, लेकिन कॉस्टली है, पैसे ज़्यादा हैं।
तो हमारा ये बनाया तकरीबन 6,000 का बिल हमने पॉट पर मंगाया था और काइंड ऑफ सूप है ये, तो 6,000 का बिल बनाया तो थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बहुत मजेगा। तो गाइस हमारा ब्लॉग यहाँ पे एंड हुआ, आपको मेरी वीडियो अच्छी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।